अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं। ओके तो यहाँ पर नोट लिस्ट टेस्ट डॉट टी एस एक्स में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, राइट। तो ये जितने भी टेस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं अभी यहाँ पर एक इसको कम कर देता हूँ, इसमें मैं सभी में कम कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर अभी इसके लिए सीनारियो लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं टेस्ट लिखूँगा, टेस्ट में अभी क्या सीनारियो वो मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहता हूँ। सीनारियो ये है कि यूज़र शुड बी एबल टू रीडायरेक्ट टू नोट डिटेल स्क्रीन, ठीक है, नो डिटेल स्क्रीन, ये सीनियर है डिटेल स्क्रीन। ओके और यहाँ पर कैसे जाएंगे एग्जैक्टली, सो मैं यहाँ पर व्हेन यूजर क्लिक ऑन नोट आइटम या नोट टाइटल, ओके, देन यूजर शुड बी एबल टू सी नोट डिटेल। ओके सो ये बेसिकली हमें सीनियर टेस्ट करना है। तो यहाँ पर होगा कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पर मैं दे देता हूँ और यहाँ पर सेम ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखा था, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो कस्टम सर्वर है हमारा वो अप कर देते हैं यहाँ पर। ओके और यहाँ पर हम लोग ये भी कर देते हैं, कंपोनेंट को रेंडर भी करेंगे और उसका लोडिंग डेटा जो है सारे लोड होने का वेट भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग अवेट ऐड कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर मैं असिंक भी ऐड कर देता हूँ ताकि असिंक अवेट हो जाए। अभी जब हम लोग डेटा लोड हो चुका है, अभी हम लोग उस पर एक नोड पर यहाँ पर क्लिक को ट्रिगर कराना है। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से इस सब को क्लोज कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला नोड हमें पिक करना है, ओके, और उस पर हमें क्लिक ट्रिगर कराना है। तो आइए चले वही करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ नोट लिस्ट, ओके, और यहाँ पर मैं स्क्रीन डॉट गेट ऑल बाय टेस्ट आईडी और मैं यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा नोट लिस्ट आइटम। तो कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो सारे नोट लिस्ट आइटम यहाँ पर आ जाएंगे, पर उसमें सबसे पहले वाले में हमें क्लिक ट्रिगर कराना है। तो यहाँ पर यूज़र इवेंट डॉट डॉट क्लिक, ओके, और उसमें हमें नोट लिस्ट जो यहाँ पर आ रही है उसमें जो पहला वाला है उसमें मुझे क्लिक ट्रिगर कराना है, ठीक है, बिकॉज उसमें सारे होंगे पर मुझे पहला वाला चाहिए, उसमें मुझे क्लिक ट्रिगर कराना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्क्रीन डॉट गेट बाय टेस्ट आई डी और मुझे यहाँ पर बेसिकली देखना है कि नोट डिटेल कॉम्पोनेंट रेंडर होना चाहिए, ये मेरा यहाँ पर असर्शन है। अब यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐप का रन हो रहा है पर मैं W प्रेस करता हूँ, P प्रेस करता हूँ और फाइल यहाँ पर होगा अभी नोट लिस्ट वाला और अब ये ब्रेक होगा बिकॉज यहाँ पर इसे नोट डिटेल नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये हमें अभी लिखना है, राइट, बिकॉज हम लोगों ने अब जब रीडायरेक्ट होगा इस पर क्लिक के बाद तो ये रेंडर होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, सो अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या अलग अलग एक राउट्स यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे कि क्लिक करने पर हमें बेसिकली नोट डिटेल के तरफ जाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि ये कौन नोट लिस्ट कहाँ पर रेंडर हो रहा है, ओके, और इसे क्लिक के ऊपर जो चीज़ें रेंडर होने वाली है वो भी हमें इस रेंडर के अंदर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं जैसे हम लोग ने पहले देखा था वही सेम यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र राउटर इस तरीके से रैप कर लेता हूँ, ओके, उसके अंदर यहाँ पर मैं राउट्स इधर ऐड कर दूंगा। देखिए ये सारी चीज़ हमें इस वजह से यहाँ करनी पड़ रही है बिकॉज ये पैरेंट में होगा, राइट, मुझे ऐप डॉट टी एस एक्स से वहाँ पर होगा, पर फिलहाल हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है ताकि हम लोग ये सीनारियो टेस्ट कर सकें, ओके। सो यहाँ पर राउट्स और राउट ये दोनों भी हमने रिएक्ट राउटर डॉम से आएंगे और राउट्स यहाँ पर है उसके अंदर होगा। यहाँ पर मैं इसको राउट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, पाथ में यहाँ पर मेंशन करूँगा कि मैं इंडेक्स राउट पर हूँ, ओके, और यहाँ पर एलिमेंट जो है एलिमेंट में मैं यहाँ पर अपना नोट लिस्ट आइटम यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं इसको इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर होगा नोट डिटेल और यहाँ पर मैं देता हूँ कोलन नोट आई डी, ओके, इस तरीके से यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर मुझे जैसे ही बताना है कि यहाँ ये सबसे पहले इनिशियली जब ये रेंडर होता है तो ये रेंडर होगा हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट पर, पहला पैरामीटर उधर एम्प्टी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा एम्प्टी स्ट्रिंग, थर्ड पैरामीटर यहाँ पर जो मुझे देना है वो इंडेक्स राउट, इस तरीके से मुझे मेंशन करना है, राइट, बिकॉज इस मुझे इनिशियली जो रेंडर करना है वो इस नोट लिस्ट कॉम्पोनेंट को मुझे रेंडर करना है, ठीक है। सो वो होगा इस इंडेक्स राउट पे जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जब यहाँ पर इसमें से किसी एक एलिमेंट में क्लिक होगा तो हम लोग इस राउट पर रिडायरेक्ट करेंगे जहाँ हम लोग ये एलिमेंट रेंडर करना चाहते हैं, जो कि मैं फिलहाल यहाँ पर एक सिंपल सा डिव दे देता हूँ और उस डिव में यहाँ पर होगा ये सेम टेस्ट आई डी जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कॉपी करके
यहाँ पर आता है डेटा टेस्ट आईडी और वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके सो अभी यहाँ पर जब इस राउट पे हम रीडायरेक्ट करेंगे तो हमें ये जो यहाँ पर डिव है वो रेंडर होना चाहिए, तो ये हमें देखना है। ओके सो यहाँ पर सेव हो गया, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। ऑब्वियसली हमारा टेस्ट केस फेल होगा बिकॉज अब वहाँ पर उसे क्लिक करने पर नो डिटेल नहीं आ रहा है। ग्रेट, तो अब यहाँ पर कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पर इंडेक्स और टीएसएक्स में हमें क्लिक करने पर उधर रिडायरेक्ट करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। तो फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम में यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ लिंक कॉम्पोनेंट, लिंक कॉम्पोनेंट को यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टू में यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा बैकटिक की स्लैश नोट डिटेल स्लैश कोलन, यहाँ पर मैं दे देता हूँ नोट डॉट आईडी। इस राउट पे मुझे रिडायरेक्ट करना था, तो टू बेसिकली एक एचआरएफ के जैसे काम करता है और उसमें आपको मेंशन करना है कि जब इस पर क्लिक हो तो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो वो हम लोगों ने दिया स्लैश नोट डिटेल स्लैश नोट आईडी। अब इसे सेव कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं और इधर मैं ओपन कर लेता हूँ टैब और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि पाथ एग्जैक्टली सेम है ना जो हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है नोट डिटेल, और यहाँ पर भी है नोट डिटेल। राइट, सो बेसिकली एक रीज़न एक ये हो सकता है कि यहाँ पर जो टेस्ट आईडी जो हमने दिया हुआ है ये पेरेंट पे है और लिंक हमने अंदर दिया हुआ है, तो क्या करते हैं कि जो टेस्ट आईडी जो है ये मैं कट करके इस लिंक को दे देता हूँ। सेव करते हैं और अभी देखते हैं। और राइट, तो एटलीस्ट थोड़ा डिफरेंट एरर आ रहा है, जो पहले जो एरर था वो नहीं है एटलीस्ट। सो व्हेन अब देख सकते हैं हमने जो लिखा था रीडायरेक्ट वाला वो यहाँ पर पास हो गया, आप देख सकते हैं कि वो रीडायरेक्ट वाला पास हो गया है, पर बाकी फेल हो रहे वो हम लोग आगे देखते हैं। तो टेस्ट और टीएसएक्स में देखने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है उस पर डॉट में ओनली ऐड कर देता हूँ ताकि यही रन हो ना कि सारे इस फाइल में। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट केस है वो एटलीस्ट यहाँ पर हो गया पास, मतलब कि रीडायरेक्ट हमारा चल रहा है। सो पहले क्यों नहीं चला, जैसे हम लोग ने देखा कि वहाँ पर इस वजह से बिकॉज टेस्ट आईडी जो है इस एलआई पे दिया हुआ था और जब हम उस पर क्लिक करते हैं पर लिंक जो है वो इधर अंदर था। राइट, तो जब आप इस पर क्लिक इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं तो नॉट नेसेसरी कि अपने चिल्ड्रन में भी हो रहा है, वो तो गड़बड़ था। जहाँ पर हमने जिस इवेंट पे क्लिक ट्रिगर कर रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए, या एटलीस्ट वो पेरेंट अगर लिंक अब इस तरीके से ऊपर रैप कर देंगे एलआई के तो आप एलआई को वो रख सकते हैं, या फिर अब इंटरनली उसको व्रैप कर रहे हैं इस तरीके से तो फिर आपको यहाँ पर टेस्ट आईडी भी इससे ही देना होगा बिकॉज यहाँ पर ही हम क्लिक इवेंट ट्रिगर करना चाहते हैं। ओके, और ये जो लिखा हुआ है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर से भी मैं रिमूव कर दूँगा। अरे चले, अभी देखते हैं कि बाकी जगह पे गड़बड़ क्यों आ रही है, तो अभी ओनली को रिमूव कर देते हैं ताकि सारे टेस्ट के अब यहाँ रन हो जाए। तो यहाँ पर पहला वाला है अनेबल टू एलिमेंट नोट लिस्ट आइटम, नोट लिस्ट आइटम उसे नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। गेट ऑल बाय टेस्ट आईडी, ओके सो यहाँ पर हमने टेस्ट आईडी चेंज किया हुआ है इस वजह से ये इशू आ रहा है यहाँ पर, तो ये जो है नोट लिस्ट आइटम होना चाहिए। ओके, और इधर भी सेम वैसे ही कर देते हैं, नोट लिस्ट आइटम कर देते हैं, तो नाम स्पेलिंग ताकि सेम रहे हर जगह पर। और सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनेबल टू फाइंड एलिमेंट एड नोट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ टेक्स्ट इज ब्रोकन इन मल्टीपल एलिमेंट, इन दिस केस यू प्रोवाइड फंक्शन फॉर यू टेक्स्ट मैचर बट बेटर मैचर फ्लेक्सीबिलिटी। ओके सो क्या करते हैं कि एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दो हमारे टेस्ट फेल हो रहे हैं। ओके सो सबसे पहला वाला देखते हैं कि वेन नोट लिस्ट कंपोनेंट माउंटेड एंड रेंडर लिस्ट ऑफ नोट्स, तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि ये वाला हमारा रेंडर रहा है, तो उसको मैं डॉट ओनली ऐड करता हूँ और देखते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ पर। अनेबल टू फाइंड एलिमेंट नोट लिस्ट आइटम, ओके सो इधर भी वही गड़बड़ है हमारा, इसको एस को यहाँ से निकाल देते हैं और भी कहीं अगर हमने सेम यूज़ किया हुआ है तो उधर से भी रिमूव कर देंगे। ये जो हमारा बड़ा टेस्ट केसेस था उधर भी देखते हैं कि क्या हमने वहाँ पर भी नोट
ओके ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर आते हैं और इसको जो ओनली यहाँ पर लिखा था ओपन करके देखते हैं। ओके सो एरर इस वजह से आ रहा है मेरे ख्याल से कि बिकॉज हमने यहाँ पर लिंक ऐड किया है। सो लिंक ऐड करने से क्या होता है कि हमें इसे ब्राउज़र आउटर के अंदर रैप करना होगा, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इशू आ रहा है। तो एक्चुअली देखते हैं हमारा है तो यहाँ पर उसी वजह से हो रहा है कि नहीं। तो ब्राउज़र आउटर को यहाँ रेंडर करते हैं, उसके अंदर यहाँ पर नोट लिस्ट को रेंडर करते हैं और अब यहाँ पर ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं टेस्ट केस पास हो गया। तो बेसिकली वो एरर एक है ना, काफ़ी हेल्पफुल एरर मैसेज नहीं था वो, पर एसेंशियली वो यही कह रहा है कि ब्राउज़र आउटर के अंदर ही आना चाहिए, बाहर नहीं। ठीक है, सो इस वजह से ऐसे ब्राउज़र आउटर इस तरीके से रैप चाहिए। ओके सो आप यहाँ पर सिंपली बाकी जगहों पर भी वही कर सकते हैं राइट, या फिर आप इसको बाहर यहाँ पर एक रैपर बनाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इनिशियली यहाँ पर मैं एक इस तरीके से बनाना होता है ना, तो मैं एक रीयूजेबल फंक्शन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर रेंडर बना देता हूँ, उसके अंदर यहाँ पर हमारा होगा रिटर्न होगा, उसमें मैं रेंडर RTL कर देता हूँ, जो बेसिकली हमारा एक्चुअल रेंडर मिलेगा जो हमारा होगा एड टेस्टिंग लाइब्रेरी से। तो इसको मैं एज़ रेंडर RTL नाम दे देता हूँ एलियस के तौर पर, और वो मैं इधर रेंडर करूँगा। उसमें यहाँ पर पहला होगा UI एलिमेंट जो बेसिकली हमें मिलेगा यहाँ पर पैरामीटर से ऑब्वियसली। ओके और यहाँ पर मैं एक इसको इस तरीके से रैप भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ ब्राउज़र आउटर, और उसके अंदर मैं UI जो आ रहा है जो कंपोनेंट है बेसिकली वो मैं अंदर इस तरीके से रेंडर कर दूँगा। और यहाँ पर इसका टाइप दे रहते हैं कि UI कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ React.ReactNode। ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं वो यहाँ पर रेंडर करें। ओके सो अब यहाँ पर सिंपली मुझे यहाँ पर जो रेंडर यूज़ हो रहा है वो बेसिकली हमारा है ये रेंडर फंक्शन, ना कि वो रेंडर RTL। ओके सो अब यहाँ डायरेक्टली मैं हमारा नोट लिस्ट कॉम्पोनेंट यहाँ पर पास कर देता हूँ इस तरीके से। ओके सो यहाँ पर हमें जो है नोट लिस्ट इस तरीके से देना होगा, या फिर क्या करते हैं कि बिकॉज हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके UI स्पेसिफाई किया है, या फिर एक काम करते हैं जो UI जो है डायरेक्टली मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बेदर डीस्ट्रक्चरिंग करने के वजह डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टली जो पास करेंगे वही वहाँ पर मिल जाएगा, इधर भी वही मिलेगा और इधर भी वही मिल रहा है हमें। ओके और यहाँ पर भी हमें वही मिल रहा है, तो इंस्टेड बिकॉज हमने ऑलरेडी इसे रैप कर दिया तो डायरेक्टली हम राउट्स यहाँ दे सकते हैं, ब्राउज़र आउटर देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी रेंडर यहाँ पर ऑलरेडी कर रहा है इस वजह से। ठीक है, सो हमें यहाँ पर अंदर करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली हम राउट से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी वो रैप्ड है बाहर। ओके सो अब यहाँ पर हमारा टेस्ट केस ओपन करते हैं और राइट से यहाँ पर सारे टेस्ट केस पास हो गए, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर अभी ब्राउज़र ओपन करते हैं। ओके ये ब्राउज़र है और राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पर अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ओपन करता हूँ बॉडी को, ओपन करूँगा स्क्रिप्ट, सॉरी यहाँ पर IT है, इधर है ओपन, तो यहाँ पर ओपन करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ एरर यहाँ पर देख कर ब्राउज़र को हमारा जो यहाँ पर सर्वर है उसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि ये जो एरर आ रहा है पॉसिबली ये रीस्टार्ट एरर करने से गायब हो जाएगा। ओके सो टर्मिनल में तो किसी तरह का एरर नहीं है, ब्राउज़र में आके देखते हैं। ओके सो ये कह रहा है कि यूज़ राउट्स मे बी ओनली बी यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर। ओके ग्रेट, सो यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर सोर्स में app.tsx में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने राउट्स मैंशन किया है, पर जो ब्राउज़र राउटर का जो रैप करते हैं हमने टेस्ट में किया, याद रखो हमने टेस्ट में किया हुआ है पर यहाँ पर नहीं किया हुआ है, तो मैं वो कर देता हूँ। तो यहाँ पर index.tsx में बिकॉज ये सब का पैरेंट कंपोनेंट है यहाँ पर मैं उसे रैप कर दूंगा ताकि वो एरर अभी यहाँ पर ना आए। देखिए वो जो कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है अभी वो सिर्फ टेस्ट में बना हुआ था, हमने यहाँ पर एक्चुअल कोड में नहीं लिखा था, तो यहाँ पर ब्राउज़र में जो है उसमें नहीं लिखा था, तो इस वजह से इसको यहाँ पर रैप कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम इसको एंड कर देंगे, वैसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और होगा ये रिफ्रेश। ओके सब ये रेंडर हो चुका है, मैं इधर इंस्पेक्ट करता हूँ बॉडी। ओके सो इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ईच इंडिविजुअल
एंकर टैग रेंडर है, जो बेसिकली हमारा जो लिंक कॉम्पोनेंट जो हमने देखा था वो बेसिकली एंकर टैग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उस पर एचरेफ जो दिया हुआ है, जो हमने सिंपली यहाँ पर दिया था, इसका आईडी 1 है, इस वजह से यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आईडी यहाँ पर 0 है, इस वजह से यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ पर आप देखें इसका आईडी 2 है, तो इसलिए वजह से इसका आईडी यहाँ पर 2 है। ओके, सो अब यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि वो रिडायरेक्ट करें, ग्रेट। पर यहाँ पर आप देखिए नो डिटेल कॉम्पोनेंट होगा नहीं, बिकॉज हम लोग ने उसे अभी तक यहाँ पर बनाया नहीं है। पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो एटलीस्ट हमारा नो डिटेल कॉम्पोनेंट यहाँ पर रेंडर हो जाना चाहिए। अगर ओके, सो यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स ओपन करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं नोट डिटेल कॉम्पोनेंट बेसिकली यहाँ पर रेंडर हो रहा है। अगर मैं बाहर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट लिस्ट रेंडर हो रहा है। मैं किसी भी इस पर क्लिक करूँगा, जैसे लर्न मॉबएक्स पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देखें नोट डिटेल कॉम्पोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। ये बेसिकली रिएक्ट डेव टूल्स है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पोनेंट है वो रेंडर तो हो रहा है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटिंग के लिए इतना ही। अभी आगे हम लोग नोड डिटेल को यहाँ पर हम लोग इस आईडी को जो ऊपर यहाँ मिल रहा है, इसको हम लोग पकड़ के यहाँ पर उस आईडी को यहाँ पर हम लेके हम लोग एपीआई कॉल करेंगे और यहाँ पर नोड डिटेल को रेंडर करेंगे। ओके, सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।